नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं अशोक सेरा फेसबुक पेज। दोस्तों आज मतगणना का दिन है और आज परिणाम कुछ सीटों पे आ गया और कुछ पे आने वाला है। हम बात कर रहे हैं शिव विधानसभा के चर्चित चेहरे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों की कि इनमें इतनी उत्साह है कि अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये गाड़ियां हैं उनकी, उसके ऊपर उन्होंने अभी से ही प्लेटें लगाना शुरू कर दी है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। इन जो समर्थक है इनमें कितना उत्साह है और जीत के प्रति, इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है भाई साहब? जी साहब, मेरा नाम मेघ सिंह है। मेघ सिंह, कौन सा गांव है? मैं सर जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर से हो? जी सर। अच्छा मेघ सिंह, आज शिव विधानसभा की जो मतगणना के बाद परिणाम आने वाला है, इसको लेकर कितनी मन बेचैनी है? शिव का जो भी परिणाम आएगा वो रविंद्र सिंह के पक्ष में आएगा, हम उम्मीद करते हैं और हमें भरोसा भी पूरा है कि 100% रविंद्र सिंह जीतेंगे। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे? जी सर। जी सर, बाबू सिंह नाम मेरा। बाबू सिंह जी, बाबू सिंह की गाड़ी किसकी है? गाड़ी हमारे भाइयों की है। भाइयों की जी सर। बाबू सिंह, आज आपने अभी तक जो परिणाम आया ही नहीं है, उससे पहले आपने जो विधायक की जो लगाई है नंबर प्लेट, इसको लेकर आप कितनी खुशी है? हमारे बहुत खुशी है। रविंद्र सिंह जी ने बोला था कि हम सब विधायक है, मैं अपना सब विधायक है, इसलिए हमने लगाई है और रविंद्र सिंह जीत रहे 11,000 प्लस वोटों से। अच्छा जी सर। कौन सा गांव बताया आपका? मारूडी गांव हमारा। मारूडी गांव जी सर। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह निमला। अनूप सिंह निमला जी। कौन सी विधानसभा से? शिव। अनूप सिंह, इस बार आज परिणाम आने वाले, क्या लगता है आपको शिव को लेकर? परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, रविंद्र सिंह के पक्ष में आएंगे और 10-11 हज़ार प्लस से। 10-11 हज़ार से प्लस में जीते जी। अच्छा, आपने जो एडवांस में आपने नंबर प्लेटें लगाना शुरू कर दी है, इसको लेकर? हम आश्वस्त है कि जीत हमारी होगी पक्की, इसलिए हम आश्वस्त है, इसलिए बस जीत तो है ही वैसे ही, अब ऐलान होना बाकी है और प्लेटें पहले से लग गई है, धीरे धीरे बहुत सारी गाड़ियों की प्लेटें लगी है। देखिए आपने कैसे अभी तक परिणाम आने से पूर्व ही ये जो समर्थक है इन्होंने ये ठान ली है कि हमारा नेता निश्चित तौर पर जीतेगा, अगले एमपी बनाएंगे। रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद।